डॉक्टर शरद नेक्स्ट मॅच किसका आहे? डहाणू टीम के कॅप्टन से रिक्वेस्ट है अपना पार्टिसिपेशन ट्रॉफी लेकर जाए और खाना खाकर जाए। डॉक्टर शरद आपको मैं आमंत्रित करूंगा हमारे कमेंट्री बॉक्स टॉस बॉक्स में आपका मैन ऑफ द मैच अवार्ड लेने के लिए। डॉक्टर शरद यादव नेक्स्ट मैच कौन सा है? नेक्स्ट मैच आप लीजिए। नहीं नहीं ये आता चालू है नाला सोपारा और बीएमबी के बीच सेकंड इनिंग एकदम रेडी है तैयार है। यस यस डहाणू टीम और शाहपुर टीम इनके प्लेयर से निवेदन है कि वो खाना खाकर जाए और पार्टिसिपेशन ट्रॉफी लेके जाए और मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे पास प्रेसिडेंट डॉक्टर दिनेश पाटिल सर और सत्यम प्रेम पाटला डॉक्टर पास प्रेसिडेंट शरद यादव को ट्रॉफी देते हुए। डॉक्टर शरद एक मिनट डॉक्टर शरद आप जब खेल रहे थे तो आपके दिल में क्या था? आपने शायद कल का वेट का मैच देखा था या आपके आप क्या सोच रहे थे? आपने जो वन साइड जो मैच जा रहा था डहाणू टीम जीत रही थी और आपसे यहाँ के दर्शकों की यहाँ के गेस्ट की आपके टीम की शायद ही किसी को उम्मीद होगी कि वेड़ा जीतेगा लेकिन आपने जो करिश्मा किया है ऐसा आप प्रति मैच कई सालों से हमने नहीं देखा है आपकी वजह से हमको ये मैच देखने मिला। तो आप जब क्रीज के ऊपर थे तो आपका दिमाग में क्या चल रहा था? सर एक्चुअली मुझे लास्ट बॉल तक फेस करना था कि अगर मैं लास्ट बॉल तक रहूंगा क्रीज पे तो डेफिनेटली चांसेस थे और शायद अभी हम ये मैच जीत चुके हैं। ओके थैंक यू शरद भाई। तो आप सूर्य कुमार जी को फोन कर दीजिए। सूर्य कुमार को क्या लगता है? नहीं नहीं आप फोन कर दीजिए उनको बोले जीत गए। डहाणू टीम के कैप्टन से निवेदन है कि अपना पार्टिसिपेशन ट्रॉफी लेके जाए। डहाणू शाहपुर टीम ने लिया ना शाहपुर अभी बीएमपीए एवेंजर्स इस समय दो एवेंजर्स हमारे ग्राउंड के ऊपर उतर चुके हैं डॉक्टर लक्ष्मण पेंदू और डॉक्टर मनीष शिवारी और गेंदबाजी इस समय नाला सोपारा के गेंदबाज तैयार है। नाला सोपारा के जो ट्वेल्थ मैन रहेंगे अगर यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स में आ जाए ट्वेल्थ मैन नाला सोपारा का ट्वेल्थ मैन डॉक्टर कुश इस समय गेंदबाजी करने के लिए तैयार। इनका जो टारगेट है बीएमपी एवेंजर्स के लिए इस समय है कितने टारगेट 61 है 62 का टारगेट है चार ओवरों में और दो एवेंजर्स बीएमपी के एवेंजर्स डॉक्टर लक्ष्मण और डॉक्टर मनीष इस समय शाहपुर टीम के कैप्टन या कोई प्लेयर से निवेदन है अपना पार्टिसिपेशन ट्रॉफी लेकर जाइए। देखिए हार जीत होते रहता है उसका गम नहीं करने का गेम है गेम में कोई जीतेगा कोई हारेगा। मैडम येऊन गेले ना पास प्रेसिडेंट डॉक्टर स्मिता बुहार मैम का स्वागत है यह बीएमपी ट्रॉफी में। इसी बीच यह पहली गेंद ऑफ स्टंप के थोड़ी बाहर थी। सीनियर्स मेंबर से निवेदन है कि ग्राउंड के मैच चालू है
मैच चालू है, सीनियर से निवेदन है कि थोड़ा सा सहयोग करें। आईपीपी डॉक्टर स्मिता बुहार मैम का यहाँ पर बीएमपी ट्रॉफी में स्वागत है बीएमपी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से। इसी बीच अगली गेंद और वहां पर गेंद हवा में शॉर्ट कवर की दिशा में ऊपर से खेलना चाहते थे डॉक्टर लक्ष्मण, थोड़ा सा बैट का बाहरी किनारा लगा, इसी बीच एक रन तेजी के साथ ले लिया और स्कोर हुआ है एक बिना कोई विकेट के। और डॉक्टर कुश अपने टीम के लिए काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए इस समय काफी सूझबूझ के साथ, क्योंकि टारगेट बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा टारगेट दिया उन्होंने 62 का और एक कट करके खेलना चाहते थे थर्ड मैन की दिशा में, वहां पर एक फील्डर मौजूद और एक ही रन। बीएमपी एवेंजर्स को अगर मैच जीतना है तो छक्के चौकों की बारिश करना होगी, जैसे कि लास्ट मैच ने आपने देखा कि हमारे शरद यादव ने 47 रन बनाए, ऐसा कोई बल्लेबाज इस समय बीएमपी के लिए। और एक कवर के ऊपर से कवर और पॉइंट के बीच में से बहुत ही शानदार तरीके से खेला गया लक्ष्मण ने, खेला गया शॉट मनीष शिवारी स्टैंड में लक्ष्मण ने खेला गया। ये हमारे जो दोनों खिलाड़ी है ये लीजेंड्स है, इनके नाम से यहाँ पर स्टैंड रखा गया है, मनीष शिवारी और लक्ष्मण पेंदू। डॉक्टर कुश अगली गेंद लेकर आते हुए और ये कट करके खेलना चाहते थे लॉन्ग ऑन की दिशा में, शॉट खेलना चाहते थे, बैट्समैन बैट का बाहरी किनारा लगा और इस समय कटआउट होकर एक चौका मारकर डॉक्टर लक्ष्मण पेंदू लीजेंड्स बैट्समैन ऑफ द बीएमपीए थोड़ा सा निराशा के साथ। और हमारे पंकज जी इस समय बैटिंग के लिए जा रहे वन डाउन के रूप में, बहुत ही शानदार खिलाड़ी है। और मैं अभी कमेंट्री के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे मराठी कमेंटेटर संदेश जी से। हेलो, थैंक यू वेरी मच बोलिए। अपन मैच च्या दिशेने 62 धावांचं लक्ष्य आहे, मात्र पहिल्या षटकामध्ये फक्त आणि फक्त 7 धावा आल्यात, एक गडी देखील बाद झालाय। तर एकंदरीत नाला सुपारा टीमच्या माध्यमातून सुरुवात भरपूर चांगली झाली आहे। षटक क्रमांक 2 बॉलिंग ट्रॅकवर अरुण येतोय, डॉक्टर अरुण पाहूया कशा प्रकारची गोलंदाजी करतील, कारण पहिल्या षटकामध्ये चांगली गोलंदाजी झाली आहे, अचूक टप्पा अचूक नियंत्रण आपल्याला पाहायला मिळालं। डॉक्टर कुश च्या माध्यमातून पहिलं षटक फेकलं गेलं, तर आता मात्र डॉक्टर अरुण पहिलं परिवर्तन गोलंदाजीमध्ये आपण पाहतोय, षटक क्रमांक 2 फेकण्यासाठी आलाय, 62 धावांचं लक्ष्य आहे बीएमपीए अवेंजर्स टीम समोर, अर्थातच विकेट मोठ्या फटक्यासाठी जावं लागेल, चौकार षटकारांमध्ये डील करावी लागेल। चला मॅचला सुरुवात करा, षटक क्रमांक 2 षटकातील पहिला बॉल, बॉल सोडून दिलाय, व्हाइट बॉल, अवांतर धाव मिळेल, अवांतर धावेसोबत धावफलक पुढे सरकलंय, 8 धावा धावफलकावर झाल्या आहेत। आडव्या बाटने खेळण्याचा प्रयत्न, बॅट आणि बॉल मध्ये संपर्क होत नाहीये, चेंडू मात्र निर्धाव गेलाय, प्रत्येक निर्धाव चेंडू जो आहे तुमच्यावर दबाव निर्माण करेल हे देखील लक्षात घ्यावं लागेल, कारण या ठिकाणावर लक्ष भरपूर मोठं आहे, मोठ्या लक्ष्याचा पाठलाग करत असताना मोठे फटके येणं देखील खूप गरजेचं आहे, मात्र त्या दरम्यान बॅट आणि बॉल मध्ये हलकासा स्पर्श, टीम नाला सोपारा मध्ये हर्ष, फलंदाज बाद।
डॉक्टर पंकज गेल्या पावली परततोय, कारण फक्त एका धाब्याच योगदान आपल्या टीम साठी दिलंय. नवीन फलंदाज प्रदीप जाधव मैदानाच्या आतमध्ये. डॉक्टर प्रदीप जाधव स्टँड देखील आपल्याला पाहायला मिळतोय. त्यांच्या नावाने डीप मिड विकेट सीमारेषा बाहेर एक स्टँड उभा केलाय. नवीन फलंदाज प्रदीप जाधव. डॉक्टर अरुण पुन्हा एकदा बॉलिंग ट्रॅक वर षटकार दिलं. पुढचा बॉल मॅन इन पन्ना मक्याप डॉक्टर प्रदीप जाधव वैयक्तिक पहिला बॉल फेस करतोय. हलक्या हाताने खेळून काढलाय. क्षेत्ररक्षक पॉइंट मधून चेंडू पर्यंत झेपावल्यात. सिंगल कम्प्लीट. मात्र एकेरी दुहेरी धावांमध्ये काम बनणार नाहीये. 62 धावांचं एक मोठं लक्ष आहे, ते लक्ष लक्षात घ्यावं लागेल फलंदाजांना. विकेट मोठ्या फटक्यासाठी जावं लागेल. चौकार षटकारांमध्ये डील करावी लागेल तुम्हाला. या वेळेचा बॉल समोरच्या दिशेने. क्षेत्ररक्षक आहेत त्या ठिकाणी. लॉंग ऑफला चेंडू उचलला जातोय. सिंगल कम्प्लीट. डॉक्टर मनीष शिवारी ज्यांच्यामध्ये नक्की ती क्षमता आहे. सातत्याने चांगलं क्रिकेट त्यांच्या माध्यमातून आपण पाहत आलोय, परंतु या मॅचच्या माध्यमातून देखील भरपूर अशा अपेक्षा टीमला असतील. या वेळेस बॉलला पुढे ठेवला होता. पुन्हा एकदा हलक्या हाताने खेळून काढल्या. मात्र त्या दरम्यान दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न. दोन धावा कम्प्लीट होत आहेत. धावफलक दोन ने पुढे सरकलंय. 12 धावा धावफलकावर झाल्या आहेत. लक्ष्मण सर आपणास विनंती आहे की आपण या ठिकाणी संपर्क साधा. लक्ष्मण सर तर अशा प्रकारे दोन षटकांचा खेळ कम्प्लीट झालाय. नक्कीच यानंतर लक्की ड्रॉ या ठिकाणी उडवला जाईल. अर्थातच पाच चिठ्ठ्या आहेत, पाच संघ आहेत. त्यामधील चार संघ जे राहतील चिठ्ठीमध्ये, त्यामध्ये दोन मॅचेस तुम्हाला पाहायला मिळतील. तर एक संघ नक्कीच पुढील मॅच साठी क्वालिफाय होईल. नक्कीच सर्व टीमच्या कॅप्टनला विनंती आहे की लॉर्ड साठी आपण आमच्या कॉम्बॉक्स समोर यायचं आहे. या वेळेस बॉलला टॅप केलाय. सिंगल कम्प्लीट होते त्या ठिकाणी. षटका दिला. पुढचा बॉल डॉक्टर सुरेश. बलेचा बॉल ऑन साइडला. फटका चांगला आहे, मात्र मिसफील्ड आणि त्या दरम्यान रनआउटची संधी गमावली आहे. जीवनदान मिळालंय त्या ठिकाणी डॉक्टर मनीष शिवारीसाठी. नक्कीच या जीवनदानाचा फायदा घ्यावा लागेल. तब्बल 62 धावांचे लक्ष आहे आणि हे लक्ष पार करत असताना तुम्हाला आपला गिअर चेंज करावा लागेल. षटकातील पुढचा बॉल. या बलेचा बॉल यष्ट्यांच्या वरून गेलाय. चेंडू मात्र निर्धाव जातोय. चांगला बॉल सफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न. बॅट आणि बॉल मध्ये संपर्क नाहीये. Thank you.
या भले सबाट चिकाडा लागले शॉर्ट टर्न मधला क्षेत्ररक्षक आहे फक्त आणि फक्त सिंगल कम्प्लीट 62 धावांचे एक विशाल लक्ष असताना मात्र आतापर्यंत फक्त आणि फक्त 17 धावा धावफलकावर आहेत. त्याला सोपारा टीमच्या माध्यमातून चांगली फलंदाजी आपण याआधी पाहिली आणि त्यानंतर गोलंदाजी देखील भरपूर चांगली होत आहे. या वलेस फटका भरपूर चांगला आहे. मिडल ऑफ द बॅट मोहर उमटली आहे 4 धावांची. बॉल निघून गेलाय सीम रेषा पार. चौकार. नक्कीच मागच्या मॅच मध्ये आपण ज्या प्रकारे शरदची फलंदाजी पाहिली त्या प्रकारची फलंदाजी डॉक्टर मनीषला देखील करावी लागेल. बलेस देखील अजून एक चांगला फटका. वन बाउंस ओव्हर द लाईन. गुड शॉट. चौकार. बॅक टू बॅक सेलेक्टचा दुसरा चौकार आलाय. क्या मनीष बनेगा दुसरा शरद. इस समय गेम चेंज करते हुए मनीष, जैसा कि आपने पिछले मैच में देखा शरद ने तीसरे ओवर से ही अपनी नींव डाली थी, पूरा मैच चेंज कर दिया और आखिरी ओवर में आपने छक्कों की बरसात देखी. वैसे हमारे दोनों बैट्समैन डॉक्टर प्रदीप यादव और डॉक्टर मनीष तिवारी ये जो है ये कैपेबल है, हमारे लीजेंड्स है, हमारे चार लीजेंड्स डॉक्टर अशोक सिंह, प्रदीप यादव, मनीष तिवारी और लक्ष्मण पेंदु, इनके नामों से स्टैंड भी यहाँ बने हुए हैं और मेरे ख्याल से ये आखिरी ओवर है. ट्वेंटी फाइव का स्कोर हुआ है अभी. छह गेंदों में छह छक्के प्लस वन रन, 37 रन चाहिए. बॉलर नेम, बॉलर नेम समर. अब बीएमपी को कोई किशोरी बचा सकता है जिसने बीडीसीसी को बचाया. हाँ ऊपर नहीं बताओ, लोग सब नॉनवेज खाना ऊपर है. अरे इधर बताना, ये स्टैंड के ऊपर एंट्री, इधर कूपन, रेड कूपन नॉनवेज के लिए है और ग्रीन कूपन जो है वो वेज के लिए. और नॉनवेज खाना जो है कमेंट्री बॉक्स के साइड में जो बिल्ड है वहां पे पहले माले पे है. कृपया नॉनवेज खाने का आनंद लेना है तो अपने ऊपर यहाँ कमेंट्री बॉक्स के बाजू में जाए. मैच चालू होता हुआ प्रदीप ने औपचारिकता बाकी आहे या मॅच मध्ये. त्या दरम्यान अजून एक चांगला बॉल म्हणता येणार नाहीये, दिशा चुकीची आहे. व्हाइट बॉल. अवंतर धाव त्या ठिकाणी मिळेल. अजूनही 5 बॉल वर तब्बल 35 धावांची आवश्यकता आहे. यानंतर 5 टीम मध्ये लॉट उडवला जाईल. या बल्ले अजून एक चांगला फटका. बॉल निघून जातोय सीमारेषा पार. प्रदीप जाधव स्टँड मध्ये बॉल गेलाय. 6 धावांसाठी षटकार. हॅलो हॅलो. नवी मुंबई कॅप्टन, बीडीसीसी कॅप्टन, वेडा कॅप्टन, बीएमपीए
प्लीज स्टँड जवळ यावे. लॉर्ड्स होत आहेत तरी सगळ्या कॅप्टन्सने स्टँड जवळ यावे. चला लॉर्ड्स कडे या, कॉमेंट्री बॉक्स कडे यावे. आता फक्त या मॅच ची फॉर्मॅलिटी बाकी आहे. नाला सोपारा बोलवले ना मी. नवी मुंबई कॅप्टन वेडा बीडीसीसी कॅप्टन इथं आले आहेत. त्यांचे खूप खूप अभिनंदन. त्यांनी खूप छान असा उत्कृष्ट असा लेफ्टी फलंदाज बॅटिंगला पाठवला आणि मॅच जिंकली. आणि हा उत्कृष्ट फटका प्रदीप दादा यांच्या बॅटमधून. शेवटचे दोन चेंडू शिल्लक आहे आणि रन. फक्त चमत्कारच डीएमपे अवेंजर्सला जिंकू शकतो. किशोर, एक किशोर जिंकू शकतो, चमत्कार पण जिंकू शकतो. आणि प्रदीप दादा क्रिकेटमध्ये चमत्कार होऊ शकतो. पुन्हा पुढे आलेत आणि रन पळाले नाही आहेत. एक पॉइंट शिल्लक आहे ना. चला नाला सोपारा कॅप्टन लॉर्ड साठी यावे. कॉंग्रॅच्युलेशन्स नाला सोपारा कॅप्टन.